हाय एवरीवन, सबसे पहले तो मैं अपने उन व्यूअर्स से सॉरी बोलना चाहती हूँ जो मुझे एक महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं टब क्लीन का वीडियो बनाने की, और मैंने अभी तक वीडियो दिया नहीं था। देखिए, रीजन भी है लेट होने का, क्योंकि टब क्लीन इतना फ्रिक्वेंट नहीं किया जाता। एक से डेढ़ महीने का टाइम उसके यूसेज पे डिपेंड करता है। इसका भी अलग से एक वीडियो बना के मैं दे दूंगी आपको कि कितनी वॉश के अकॉर्डिंग कब टब क्लीन करना चाहिए। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं टब क्लीन के प्रोसेस पे। देखिए, एज यूजुअल जैसे हम यहां से पावर बटन से ऑन कर रहे थे अब तक के वीडियोस में भी, वही सेम प्रोसेस है। अब देखिए, यहां पर आपको पता लग रहा है, यहां ये टब क्लीन लिखा हुआ है। हम यहां आ जाते हैं, ये देखिए टब क्लीन पे ये एरर जैसा साइन है। ये साइन आपको हमेशा मिलेगा, तीनों आइकन रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। अब देखिए, टब क्लीन के लिए पहले ये ध्यान रखना है कि हमें इसका ड्रम बिल्कुल खाली रखना है, कोई कपड़े नहीं होने चाहिए। देखिए, कोई कपड़े नहीं है उसमें। अब ट्रे में हमें एक पाउडर डालना रहता है, जो है आपके दो पाउडर आपको मिलते हैं इसमें। ये देखिए, ये स्केलगो नाम से भी आता है, एक डी स्केल पाउडर भी आता है। इन्हीं का यूज करें जहां तक हो सके। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये आपको इस तरह से पैकेट मिलता है। अभी तीन है, मैं दो यूज कर चुकी हूँ, पांच आते हैं एक पैकेट में। पूरा एक हमें एक बार में यूज करना है। देखिए, ट्रे ओपन कर लेते हैं यहां से। अब इस ट्रे में हमें डालना है ये पूरा पाउच। इस पाउडर का कुछ कंटेंट हम इस तरफ डालेंगे और थोड़ा जो बचा वो हम यहां डालेंगे। देखिए, बहुत से लोग इस डो को ओपन करके इसमें भी डालते हैं टब क्लीन करने के लिए कि टब में ही डाल दूं, बट उसका कोई सेंस नहीं है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, बट यहां जो हमने डाला है कंटेंट वो भी फाइनली यहीं पहुंचना है पानी में मिलकर, तो बेटर हम वहीं पर डालें, जो प्रोसेस होता है वही करें। अब देखिए, यहां हमने टब क्लीन सेलेक्ट किया हुआ था, बस हमें इसको ऑन कर देना है। अब ये टाइम सेंस कर रहा है। यहां भी आपको टाइम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, डोर लॉक हो चुका है। ये देखिए, इसे टाइम सेंस कर लिया है, मशीन स्टार्ट हो चुकी है। एक घंटा 12 मिनट ये लेगी और अभी फर्स्ट आइकन ब्लिंक कर रहा है। देखिए, करना क्यों होता है टब क्लीन, इसके पीछे भी रीजन होता है। कई बार पानी बहुत हार्ड होता है, आप देखना कई बर्तन आपको ऐसे मिल जाएंगे, जब हम बर्तन मांजते हैं तो उसमें पानी के निशान रह जाते हैं। ऐसे ही जब हम सर्फ डालते हैं तो सर्फ भी कहीं कहीं जमा रह जाता है। तो पूरे मशीन को क्लीन होने की जरूरत होती है, कोई भी मशीन हो हर कोई क्लीनिंग मांगती है। तो इसका सिस्टम पूरी तरह से अंदर से क्लीन हो सके, पूरा टब क्लीन हो सके, पूरा जो अंदर रबर है, जो पूरी मशीनरी है वो पूरी क्लीन हो सके, इसके लिए हम टब क्लीन करते हैं। तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अब मिलते हैं हम इस टाइम के बाद। देखिए, अभी सेकंड आइकन ब्लिंक कर रहा है, लास्ट आइकन ब्लिंक कर रहा है। ये प्रोग्राम एंड हो चुका है और आप देख सकते हैं लॉक का साइन जो यहाँ आ रहा था वो हट चुका है। देखिए, मशीन तो बंद हो चुकी है, पर प्रोसेस सिर्फ इतना ही नहीं है। हम अक्सर क्या करते हैं, टब क्लीन का प्रोसेस पूरा हुआ और हमें लगता है टब क्लीन हो गया, बट ऐसा नहीं है। हमें टब क्लीन के बाद हमेशा रिंस एक बार कर देना चाहिए मशीन को। उससे क्या होता है कि अगर थोड़ा भी इसमें कुछ कंटेंट रह गया होगा उस पाउडर का भी, या थोड़ा भी झाग होंगे तो वो बाहर निकल आएंगे। तो उसके लिए हमें वापस से इसे ऑन कर देना है। और देखिए, रिंस का अलग से अकेला कोई ऑप्शन चलता नहीं है, इसलिए आप किसी भी मोड पे जिस पे सबसे कम टाइम ले उस पे इसे चला दीजिए। मैं इसे चला देती हूं, ये हम ऑन कर देते हैं। ये सिर्फ 14 मिनट्स लेगा और इसमें आपका पूरा सिस्टम रिंस भी हो जाएगा। ध्यान रखिए, ट्रे में उस टाइम पे आपको सर्फ नहीं डालना है, क्योंकि हम जो इसमें झाग रह गए होंगे या जो पाउडर बच गया होगा उसे निकालने के लिए रिंस कर रहे हैं, इसलिए हमें फिर से सर्फ नहीं डालना है। ये ऑन कर देते हैं, प्रोसेस चालू हो चुका है। अब देखिए, रिंस का प्रोसेस हमारा पूरा हो चुका है। अब हम इस ट्रे को खोल रहे हैं, ट्रे को खोलते हैं और उसकी सफाई करते हैं। देखिए, ट्रे को खोलने के लिए यहां बटन देखिए पुश लिखा हुआ है,
इस पुश बटन को आप थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे और ट्रे को खींच लेंगे आगे की तरफ, ये इजीली निकल जाती है। अब ये देखिए यहाँ कितना गंदा है अभी, देखिए ये सारा हमें क्लीन कर लेना है। इसको पानी के प्रेशर से ही देखिए सर्व जमा हुआ है, ये सारा हम क्लीन कर लेंगे। तो आइए क्लीन कर लेते हैं पहले। ये देखिए इसके लिए आप टूथब्रश की हेल्प ले सकते हैं। देखिए अब ये जगह है जहां से हमने ट्रे निकाली थी, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा गंदा जम जाता है, इसे भी हम क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा गंदी नहीं हुई है, वरना मैं इसको टूथब्रश से भी साफ करती है। देखिए अभी सिर्फ कपड़ा काफी होगा इसको साफ करने के लिए, कपड़े से इसको ही पोंछ लीजिए। ये भी क्लीन हो गया। अब यहाँ पर हम वापस से ट्रे लगा देते हैं। ट्रे लगाने के लिए भी वही पुश बटन को हल्का सा प्रेस करना है, ये देखिए इजीली लग जाएगी ट्रे। ठीक है, अब हम आते हैं स्टब पे, स्टब को क्लीन कर देते हैं। इस ड्रम को भी आप ऐसे ही पूरा डोर जो है वो भी कॉटन या होजरी, ये दो ही कपड़े यूज करें, जहां तक हो सके कॉटन यूज करें, इससे पहुंच दें, पूरा अंदर का टब पहुंच दें, बाहर से क्लीन कर दें। ये जो पूरी रिंग है रबर की, यहां पर पानी जम जाता है, यहां पानी अच्छे से इसको कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा या पानी रुक जाता है, और जितना पानी रुका रहेगा उतना ही रबर को जल्दी काट देगा। अब हमें क्लीन करना है ये आउटलेट, ये जो नीचे आउटलेट दे रखा है इसे ओपन कीजिए। अब देखिए ये जो पाइप नजर आ रहा है इसे निकालना है, इस पे जो नॉब है वो खोलेंगे आप। पहले एक कंटेनर रख लीजिए कुछ नीचे, ताकि इसका जो पानी है वो नीचे फ्लोर पे ना जाए। देखिए ज्यादा कुछ पानी निकला नहीं है इसमें, इसे वापस से बंद कर दीजिए। अब ये जो लिड दिख रही है आपको ब्लैक कलर की, वो खोलेंगे हम, इसमें ही पानी निकल सकता है। ये देखिए कितना सारा पानी निकला है इसमें। ट्रे को, ये थोड़ा सा जो ट्रे है इसको नीचे से हाथ से पकड़ लीजिएगा जब इसको साफ करें। निकालो भाई, ये बाहर निकल जाता है। ये देखिए ये भी गंदा सा हो रखा है, इसे भी हमें साफ कर देना है। चाहे तो टूथब्रश की हेल्प से कर दीजिए ताकि सब क्लीन हो जाएगा अच्छे से। अंदर भी देखिए बहुत स्पेस है, इसे कपड़े की हेल्प से, कॉटन के कपड़े से या टूथब्रश से, जिससे आप चाहें इसे साफ कीजिए। यहाँ जब वॉश के टाइम पर अगर आपके कोई बटन वगैरह टूट गए हैं या जिपर है, कुछ भी अगर कुछ अटक जाता है तो वो सब यहाँ इकट्ठा हो जाता है। अब वापस ऐसे बंद कर देते हैं, इस पाइप को वापस कर देते हैं। ये जो ट्रे है ये भी गीली हो रही है, सो कपड़े से पहुंचना है, नीचे हाथ का सपोर्ट रखिएगा वरना ट्रे टूट जाएगी। बंद कर दीजिए इसे, बस ये हो गया हमारा टब क्लीन का पूरा सिस्टम ओवर। तो इस तरह से टब क्लीन किया जाता है, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि कितने टाइम में आपको टब क्लीन करना चाहिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज अगर कमेंट बॉक्स में आपको कुछ भी क्वेरी है आप डाल सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।